अरे बहुत एक्साइटमेंट है यार. इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग कि हमारी जो फिल्म है जो लोगों को इतनी पसंद आई है और हमने जो मेहनत की है और उसका ये फल मिल रहा है. जी जब मैं ऑन बोर्ड आया तो आई वॉज नॉट अ ट्रेंड मार्शल आर्ट और हमें मुझे बताया गया था कि मुझे काफ़ी सारे स्टंट्स करने होंगे या फिर एक्शन करना होगा. तो मैंने उसके बाद तुरंत ही अपना एक्शन क्लासेस वगैरह शुरू कर दिए थे और करीबन 10 महीनों तक आई वॉज एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग फॉर इट. या तभी जाकर वो जो क्लाइमैक्स सीन था जो हमने फाइट किए वो शूट कर पाया. बढ़िया यार, उनसे सिर्फ और सिर्फ सीखना था मुझे. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हिम एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव वर्कड विद अक्षय कुमार. द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक सुभाष केजा ने एक वेबसाइट पर लिखा है कि फ्रेडी फरहाद जो मैं अब मेरा नाम है हैज़ बीन द डिस्कवरी ऑफ 2014. सो जब इतना एक्सपीरियंस इंसान आपको ऐसे शब्दों से जब नवाजता है तो दैट इज़ एन अचीवमेंट इन इट्स ओन. तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा. प्लस लोगों ने बहुत प्यार दिया हुआ है. लोगों लाइक गर्ल्स हैव गॉन क्रेजी ऑन ट्विटर एंड फेसबुक और इनफैक्ट इवन पीपल हु हैव वॉच्ड माई रोल हैव रियली लाइक. वो मुझे आकर कहता है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तू ऐसा रोल कर सकता है. तो उसका मतलब है मैंने कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट.